डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमने ऑलरेडी इसके बाद तीन चार सम कर लिया, मेरे हिसाब से तीन सम तो हो ही गया है। बराबर है। आज जो सम करने वाले इसमें कुछ नया कंसेप्ट है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज का सम, आज दो सम का टारगेट है, दो सम करने वाले अपन। इसके अंदर दोनों में कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद होता क्या है, पहले समझ लो कैपिटल एडजस्ट का मतलब। पहले से दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, जब पहले से दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे राहुल, तो इन्होंने बिजनेस जब चालू किया रहेगा तो कैपिटल लाया रहेगा, तो इनका कैपिटल बहुत जमाने से चल रहा है, सेम कैपिटल चल रहा है, उसी से बिजनेस हो रहा था। अब नया पार्टनर बिजनेस में आया, तो उसने नया बिजनेस में आया तो उसने कैपिटल तो लाया रहेगा, एडमिशन फीस जैसा हम लोगों से, तो इसने पैसा तो लाया बिजनेस में। अब हुआ क्या, ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया यार इसने अभी कैपिटल आया तो अपन क्या करते, अपना कैपिटल को भी वापस से एडजस्ट करते इसके हिसाब से। मतलब अगर ये 40,000 ला रहा है तो अपने को भी 40,000 के हिसाब से अपने को कितना लाना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे और इतना कैपिटल हम लोग मिलाएंगे। अगर ज्यादा हमारा वैल्यू है तो पैसा निकाल लेंगे, अगर कम वैल्यू है तो हम लोग पैसा डाल देंगे। समझ में आया क्या? मतलब इसे कहते हैं कैपिटल को रीएडजस्ट करना, कैपिटल को रीएडजस्ट करना। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है न्यू रेशियो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है न्यू रेशियो। मतलब जब भी कैपिटल रीएडजस्ट करोगे तो कौन से रेशियो में एडजस्ट करोगे, न्यू रेशियो में एडजस्ट करोगे। बस ये पॉइंट है, ध्यान में रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं सम, जरा ध्यान देते क्या दिया है सम के ऊपर। The balance sheet of Adil and Samir, who share profit and losses in the ratio 2:1. इसका मतलब हमारा old ratio question में दिया है। Normally सब sum में दिया रहता है, बराबर है। आज हम कुछ नया करने वाले, इसलिए मैं लिख रहा हूँ old ratio। कितना है? 2:1। ये हमारा old ratio है। बढ़ते आगे, देखते हैं क्या दिया है। Profit in the ratio 2:1 on 31st of March 2018 balance sheet बना के दिया है। On 1st April 2018 Raju was admitted into partnership firm on the following terms। पहला है राजू पे ₹30,000 as a share of goodwill। राजू पे ₹30,000 as his capital for one share। अब जब वो कैपिटल का पे करेगा तो व्हाट इज द एंट्री, अगर वो पैसा पे कर रहा है तो इसकी एंट्री क्या आएगी, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। किसने लाया? राजू ने, तो राजू का अकाउंट क्रेडिट होगा। कैपिटल जब भी आएगा तो एंट्री क्या, पैसा आएगा कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। बराबर है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे भाई साहब, कौन लाया? राजू, कैपिटल अकाउंट कितना, ये कौन सा इफेक्ट है, दूसरा कौन सा इफेक्ट है, कौन लाया, पार्टनर, पार्टनर के अकाउंट में कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, राजू ने इसे 30,000। सर ये तो बेसिक एंट्री है और सब में आने वाला है, हर सब में एडमिशन है तो ये एंट्री तो रहेगा ही, तो जब भी एंट्री है पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, राजू का अकाउंट क्रेडिट, ये आने वाला ही है, भूलना ही नहीं है इसको, क्योंकि एडमिशन है तो पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट, जो लाएगा उसका अकाउंट क्रेडिट। समझा? आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया काजल, राजू पे 15,000 फॉर गुडविल, डर लगता है, बाद में सॉल्व करूंगा, स्किप कर दिया। बढ़ते आगे, उसके बाद RDD is created at the rate 10%, RDD के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो जरा डेटर्स को जाके देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में डेटर्स दिया है क्या? हाँ सर, डेटर्स दिया है। कितना दिया? डेटर्स का वैल्यू दिया 39,000, तो हमने लिखा डेटर्स 39,000। अमाउंट दिया क्या? परसेंटेज, परसेंटेज दिया, अमाउंट दिया है, फर्दर बैठे परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी, तो लेस न्यू आरडीडी, कितना परसेंट, कितना आएगा 3,900 ऊपर, ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देगा डेबिट। अब आरटीडी मतलब पैसा डूबने वाला है, और डूबने वाला है तो आपके लिए फायदा की नुकसान, नुकसान है डेबिट साइड पे टू आरडीडी, कितना 3,900, उधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, वैल्यूएशन में डेबिट।
समझाइए, पक्का समझा। सचिन आगे क्या दिया है, आगे दिया है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000। एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है, लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लैंड एंड बिल्डिंग? 75,000। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 एप्रिशिएट करना है, बोले तो बढ़ाना है, तो ऐड करेंगे ऐड एप्रिसिएशन। कितना है एप्रिसिएशन? 30,000। ठीक है 30,000, बट जैसे ये लिखा आपको याद आ गया सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, टू इज दैट वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट मतलब डेबिट साइड, असेट मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा कि नुकसान? फायदा। और जो भी फायदा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे ऐड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 1,08,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 22,500 रिड्यूस करो, बोले तो कम करो, लेस। रिटर्न ऑफ, इसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, रिटर्न ऑफ। जैसे स्टॉक के ऊपर मैंने बताया था स्टैंडर्ड से डेप्रिसिएशन लिखा चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑफ। कितना? 22,500 रुपए कम करने बोल रहा है, बट ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, टू इफेक्ट वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, असेट का वैल्यू कम है तो मेरे लिए नुकसान है, तो टू इन्वेस्टमेंट। कितना नुकसान हुआ? 22,500। समझ में आया क्या? पक्का समझा? देखो मैंने गुडविल छोड़ दिया तो कितना इजी लग रहा है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो आपको भी यही बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगा गुडविल नहीं कर सकते तो इतना एडजस्टमेंट तो कर लो, इतने मार्क्स तो निकाल लो। क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी वैल्यूड एट 62,500। एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है, देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स कितना दिया है, 63,000। ये हमारा ओल्ड वैल्यू, और नया वैल्यू कितना दिया है, 62,250। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन लेस। रिटर्न ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ होगा, 7,500, सॉरी 7,250 ना, बराबर ना, इधर 250 आ गया, मतलब 750 कम होएगा। क्लियर? 63,000 में 750 माइनस करो, 62,500 आ जाएगा, तो एडजस्टमेंट कितने का है, 750। समझ में आएगा सर जी, एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, टू इफेक्ट वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, अब ये तो डेबिट हो गया, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब इसको पे करना था, अब पे करने का वैल्यू कम हो रहा है, तो फायदा कि नुकसान है, तो फायदा है, जो भी फायदा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, 750। आई होप यहाँ तक क्लियर है, पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, दैट इज कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस, सॉरी बेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट। मतलब अगर पैसा कम है तो कैश से एडजस्ट करो, पैसा ज्यादा है तो कैश रिफंड करो, मतलब जो भी फर्क आएगा वो किधर डालना है, कैश अकाउंट में। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था तभी आपको बताया, नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, तो पुराने पार्टनर ने क्या सोचा, हम भी बिजनेस में कैपिटल लाएंगे,
उनका पहले से बिजनेस में कैपिटल है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक पूरे बिजनेस का तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। भाई पूरे बिजनेस में कैपिटल 50,000 होना चाहिए, 50 में से नए पार्टनर ने 10 लाया तो इन दोनों को कितना लाना चाहिए, 40,000। आया नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पूरे बिजनेस का कैपिटल होगा 50,000 रुपए। एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुन लो भाई, मैं बोल रहा हूँ कैपिटल टू बी एडजस्टेड। कैपिटल टू बी एडजस्टेड का मतलब है कि आपको पूरे बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए पहले वो निकालने का, पूरे बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए पहले वो निकालेंगे। भाई मैंने निकाला, मुझे पता चला 50,000 चाहिए, बराबर है। अब 50,000 में से नया पार्टनर 10,000 तो लेके आ गया है, तो उससे थोड़ी मांगेंगे अपन, तो बचा 40,000। ये 40,000 कौन लाएगा, ओल्ड पार्टनर लाएगा। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो। तो हो सकता है भाई 20,000 लेके आए या 30 और 40, जो भी फर्क आएगा वो लेके आएगा। समझ में आया क्या, आया नहीं तो अब एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000 कैपिटल है, 10,000 नया पार्टनर, तो 40,000 लाना है। तो इन दोनों ने 20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, भाई मेरे को 20 लाने का, तेरे को 20 लाने का, बराबर। बट इनका बिजनेस में पहले से कैपिटल था, आया नहीं। तो भाई पहला वाला पार्टनर, मेरा कैपिटल ऑलरेडी 15,000 था, तो मुझे 5,000 ही लाने का। दूसरा बोला, अरे मेरा 25,000 था, तो 5,000 रिफंड कर दो इसको। बात समझा, मतलब यहाँ पे क्या करना है, अगर ज्यादा पैसा लाया है पार्टनर ने तो रिफंड करो, और कम पैसा लाया है तो उसको पे करने लगाओ। समझ में आया। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पूरे बिजनेस का कैपिटल निकालना। जब पूरे बिजनेस का कैपिटल निकालोगे तब आपको समझ में आएगा कि किसको कितना कैपिटल लाना है। ये पॉइंट समझ में आया क्या, पॉइंट समझ में आया पक्का। हमने सारा एडजस्टमेंट खत्म किया है, दो एडजस्टमेंट छोड़ के, एक ही कैपिटल वाला और एक गुडविल वाला। पहले गुडविल करेंगे फिर कैपिटल पे जाएंगे। अब यहाँ पे गुडविल क्या है जरा चेक करो, तो राजू पे ₹50,000 ऑफ गुडविल, बोले तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है, आया नहीं। जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो सबसे पहला कैलकुलेट कर लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है माइनस न्यू। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या, न्यू रेशियो तो नहीं दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा ओल्ड रेशियो बन जाएगा। क्लियर है पक्का, ओल्ड रेशियो 2:1 है, क्लियर। कितना गुडविल आ रहा है देखो, गुडविल आ रहा है 15,000। अब आदिल है और समीर, तो 15,000 × 2 / 3, 15,000 × 1/3, तो इसका 10,000 और इसका 5,000। ये समझ में आया क्या, मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब एंट्री की तरफ जाओ, जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है, जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है मतलब पैसा आएगा, किस चीज का आएगा, गुडविल का आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, भैया कहाँ से आए हो, गुडविल के पास से, टू गुडविल अकाउंट, कितना 15,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, हाँ या नहीं। रूल क्या है, गुडविल आएगा गुडविल बढ़ेगा, गुडविल आएगा गुडविल बढ़ेगा, गुडविल आएगा गुडविल बढ़ेगा, बराबर कह रहे हैं। गुडविल आया था क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमने बंटवारा कर दिया है तो यहाँ पे बढ़ेगा 2 आदिल 2 समीर। आदिल को कितना बट रहा है, समीर को कितना बट रहा है, टोटल 15,000। तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय गुडविल। इतना समझा क्या, पक्का। अब स्टोरी एक बार अगर आप याद करोगे इसका, तो मैंने आपको बताया था नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है, तो किधर आता है, बिजनेस में आता है। तो बिजनेस हमारे काई का पैसा है, गुडविल का है, तेरा नहीं है मेरा है, बिजनेस मेरा जब जरूरत लगेगा तब मैं लूंगा। तो मतलब अभी क्या हुआ, गुडविल का पैसा आया, बिजनेस ने सवाल किया किसका है, पार्टनर का है, तो पार्टनर के पास दे दिया, बराबर है। पार्टनर ने विड्रॉ किया है क्या अभी तक, अभी तक तो नहीं किया, बट क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ रहा है कि राजू पे 15,000 फॉर गुडविल,
हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। मतलब इनके अकाउंट में 10 और 5000 आने वाला था 15000 में से, बराबर। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, आधा पैसा निकाल लेंगे। पैसा निकालेंगे किस चीज का, गुडविल का। पैसा निकालेंगे, पैसा आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बाय आदिल बाय समीर। आदिल कितना पैसा निकालेगा, सर आदिल 5000 निकालेगा। समीर कितना निकालेगा, सर समीर 2500 निकालेगा। क्यों, आधा आधा पैसा निकालेंगे ना, गुडविल का आधा 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, तो टोटल कितना 7.5। अरे बराबर, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। किसने निकाला, पार्टनर ने, पार्टनर का अकाउंट डेबिट टू कैश। आदिल में 5000, समीर में 2500। अगर ये समझ गया तो गुडविल खत्म हो गया। पहला गुडविल का पैसा आया, आया तो बटा, उनके अकाउंट में खत्म। इतना ही एंट्री आता है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ किया तो क्या विड्रॉ करता है, पैसा। पैसा जाएगा और किसके पास जाएगा, पार्टनर के पास। अंडरस्टूड, पक्का समझा, देखो क्लियर है सबको अच्छे से, पक्का। लास्ट पॉइंट पे जाता हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट का जरा ध्यान देना, कैसे सॉल्व करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। सबसे पहला हमको फाइंड करना होगा बिजनेस का कैपिटल कितना है, और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस कैपिटल। तो भैया राजू जब बिजनेस में आया था, राजू ने कितना कैपिटल लाया था, राजू ने 30000 लाया, बराबर है या नहीं। तो राजू ने अगर 30000 लाया था तो उसके आगे और भी कुछ लिखा था, सर इसने जो भी पैसा लाया था वो 1/4 शेयर के लिए लाया था, ऐसा ही है ना, बराबर है। तो राजू का कैपिटल कितना है, 30000, लेकिन कितने शेयर के लिए, एक शेयर के लिए। टोटल बिजनेस का शेयर कितना है, 4। मतलब अगर एक शेयर का 30000 है, एक शेयर का 30000 है, तो 4 शेयर के लिए कितना आएगा, तो 4 शेयर के लिए टोटल आ जाएगा, दैट इज 30000 इनटू 4 डिवाइड बाय 1, 1,20,000। तो ये मुझे जो मिला, ये जो मुझे मिला है, ये बिजनेस का कैपिटल। अरे समझा, अब बिजनेस के कैपिटल में तीनों का हक है, तो इसमें से अपने को ए एस और आर, आदिल समीर और राजू का कैपिटल निकालना है। सर राजू का कैपिटल तो मालूम है 30000, अब इन दोनों को कितना लाना है ये मुझे फाइंड करना है। समझ में आया क्या, मतलब 1,20,000 में से 30000 तो राजू का आ गया, बचा 90000, तो 90 में से ये कितना लाएगा और ये कितना लाएगा, ये फाइंड करना, समझा। और ये कौन से रेशियो में फाइंड होगा, न्यू रेशियो। अंडरस्टूड, पक्का। तो चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, आदिल समीर राजू। आदिल का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3, है या नहीं। समीर का क्या है, 1/3, फिर इसका तो ओल्ड है ही नहीं, तो नया है। इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 मतलब 4 में से एक हिस्सा इसका है, तो बैलेंस कितना है, 3, 4 में से, ये तो करवाया ना आपको, 4 में से एक हिस्सा राजू का, तो बचा कितना, 3 हिस्सा, इसे हम बैलेंस ऑफ 1 कहते हैं। तो इसके लिए भी बैलेंस ऑफ 1 3/4, और इसका कितना है, 1/4, न्यू रेशियो। अरे हाँ समझा, जब कुछ कैंसिल होता है, हाँ सर कैंसिल होता है, होता है ना कैंसिल, इधर आएगा 2/4, 1/4, 1/4, सबका बेस सेम है, हाँ। तो ऊपर वाला रेशियो 2:1:1, ये हमारा न्यू रेशियो है। बस समझ में आ गया, पक्का। तो अब ये 2:1:1 में 1,20,000 को डिवाइड करो, तो तीनों का कैपिटल मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे, आदिल समीर राजू, 1,20,000 बिजनेस का कैपिटल है, इनटू 2/4 ना, 1,20,000 इनटू 1/4, 1,20,000 इनटू 1/4,
2 ones are 2 twos are 60,000. 30,000. इसका ऑलरेडी 30,000 था ही, आया भी 30,000, कुछ प्रॉब्लम आएगा इसमें, और इसको बदलना भी नहीं चाहिए, अगर बदल रहा है मतलब मिस्टेक किया, समझा? नया कैपिटल समझ में आया? अगर ये समझ गया तो ये प्रॉब्लम खत्म, अगर ये समझ गया प्रॉब्लम खत्म हो गया, कैपिटल कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? कैपिटल सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? ये क्या है आपने को सर? ये बिजनेस का कैपिटल आया, उसमें आदिल का कैपिटल, समीर का कैपिटल, राजीव का कैपिटल, कैपिटल किधर जाता है सर? लायबिलिटी साइड पे, तो इधर लिखता हूँ कैपिटल, आदिल, समीर, राजू, आदिल का कैपिटल 60,000, इसका 30,000 और इसका भी 30,000, टोटल 1,20,000. सर जी ये तो एडजस्टमेंट है. Every adjustment that two is back. One debit. Liability मतलब credit, तो दूसरा effect देने का debit. अब अगर तुम याद करोगे, तो जब भी हम लोग closing करते थे, तो इधर से इधर आते थे. इधर से बैलेंस आता था और बैलेंस किधर जाता था? कैपिटल में. इसका मतलब पहले ही कैपिटल मिल गया. तो I can say two balance carried down मिल गया मुझे. कितना? 60,000, 30,000. अरे बात समझा? मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया आपने, क्लोजिंग का कैपिटल पहले ही मिल गया. जब ये अकाउंट क्लोज करते थे तो अपने कैपिटल का बैलेंस आता था, ये पहले ही मिल गया. ये फायदा है कैपिटल रीएडजस्टमेंट, समझा? तो इधर का बैलेंस उधर ज्यादा था तो अपने को पहले मिल गया उधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना था डेबिट, इधर लिख दिया डेबिट. अंडरस्टूड? पक्का? पक्का? समझा? खत्म हो गया सब, सब खत्म. अब सीधा पोस्टिंग करेंगे और क्लोजिंग करेंगे. पोस्टिंग में जरा देखते क्या है. लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेडर्स हो गया. देखो क्वेश्चन में भी गुडविल दिया है और इधर भी गुडविल दिया था. जब क्वेश्चन में गुडविल दिया है और एडमिशन के टाइम पे भी गुडविल आया, तो गुडविल मतलब रेपुटेशन होता है किसका? बिजनेस का. और इसका फायदा या नुकसान किसको मिलता है? पार्टनर्स को. मतलब गुडविल का जो भी आपको बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है वो किसको दे देने का? पार्टनर को देने का. असेट मतलब डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड पे टू कितना है टोटल? 12,000. तो 12,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? ओल्ड रेशियो 2:1 में. अगर 12,000 को डिवाइड करोगे, 8,000 और 4,000 मेरे हिसाब से आएगा. 8,000 और 4,000, ये समझा? उसके अलावा क्या है जरा चेक करो सर. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड. फायदा नुकसान किसका है? पार्टनर का. तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट में दिया, तो डेबिट साइड पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? 12,000. सेम 8,000, 4,000. क्लियर? उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोगस असेट है. किसको देने का? पार्टनर्स को ही देने का. जितने भी बोगस असेट है सारे पार्टनर्स के पास जाएगा. 2 एडवर्टाइजमेंट कितना है? 12,000 मतलब 8,000, 4,000. अरे बात समझा? पक्का? उसके बाद क्या है? कैश. कैश अकाउंट में चले जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 30,000. उसके बाद हो गया असेट का टोटल. लायबिलिटी साइड पे जाओ, क्या है? कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 90,000. 48,600. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. कोई भी रिजर्व किसको देने का? पार्टनर को. तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 15,000 है. मतलब 10,000 और 5,000. अरे बराबर, जितना भी रिजर्व है सब पार्टनर्स के लिए जाएगा. डेबिट वाला चीज डेबिट पे गया, क्रेडिट वाला चीज क्रेडिट. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे दिया था असेट पे, तो डेबिट पे. क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट. उसके बाद क्या है? किसको देने का? पार्टनर्स को. तो बाय जनरल रिजर्व कितना है? 12,000 मतलब 8,000, 4,000. उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया. उसके बाद बिल्स पेबल. कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, जैसे थे वैसे लिख दो. कितना? 60,000.
60,000, फिर उसके बाद हेलो अब क्लोजिंग करेंगे। देखो नॉर्मल क्लोजिंग कैसा था, पहले गुडविल फिर कैश और फिर ऐसा क्लोज कर देते, लेकिन अब प्रॉब्लम रीएडजस्टेड का है तो कैश सबसे लास्ट क्लोज होएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी पैसे का फर्क आएगा वो किससे ट्रीट करने का है, कैश से। जब मैं कैपिटल का अकाउंट क्लोज करूंगा तभी कैपिटल बैलेंस तो नहीं आएगा, नॉर्मली इधर बैलेंस आता था उधर चले जाएगा, लेकिन अभी भी इधर बैलेंस तो आएगा ना, तो सर किधर लेके जाएंगे? तो इधर जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? कैश में जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी डिफरेंसेस आएगा वो किधर जाएगा? कैश में जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा किधर जाएगा? कैश में, लिखा है वहां पे, इसलिए कैश लास्ट में क्लोज होएगा। समझा क्या? नॉर्मल सम रहता तो भाई ये क्लोज करते फिर इधर आ जाए, इधर से इधर और इधर से कैपिटल में, बट आज कैपिटल रीएडजस्टेड किया है, इसका मतलब पहला गुडविल क्लोज करोगे टैली, ये क्लोज करके यहाँ पे, ये क्लोज करके लायबिलिटी नहीं, ये क्लोज करके किधर? कैश में, और फिर कैश क्लोज करके असेट या तो लायबिलिटी, समझा? और फिर बैलेंस शीट को टैली स्टार्ट करते हैं। गुडविल तो टैली हो जाएगा 15,000, 15,000, अरे बराबर है, गुडविल आएगा और गुडविल बटेगा, टैली हो गया। अब इधर आ जाते हैं, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा है, 30,750। चलो माइनस करते देखते कितना बैलेंस आता है, 0,0,0, 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 बराबर है, 9 + 5 = 14 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 14 में आप ऐड करोगे 3 तो 17 आ जाएगा, बराबर है, 17 का 7 1 क्या लिया, 3 and 1 4, 4 + 2 6, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1, 3 में 0 ऐड करें, 4,350, ये समझा? अब ये चले जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करके आदिल समीर, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो इधर 4,350 इनटू 2 अपॉन 3, 4,350 इनटू 1 अपॉन 3 बराबर 3 1 3 1 3 बैलेंस 1 बन जाएगा, 3 4 12 बैलेंस 1 बन जाएगा, 3 5 15 0 सेम इधर आएगा 1 4 5 0 बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0 5 2 10 8 9 and 2 इधर आएगा 2,900 1,450 टोटल 4,350 समझा? ये समझा? ये कौन से साइड पे आया? डेबिट, इधर जाएगा क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, आदिल को आया है 2,900 और इसको 1,450 समझा? चलो अब इसका अकाउंट क्लोज कर, देखो टैली हो जाएगा, 30,000 हो गया टैली बराबर है, आया तो कैपिटल में चला गया तो इसका बैलेंस तो टैली हो गया। अब इसका अकाउंट कौन क्लोज कर दे, 30,000 है, 30 और 12 42 46 500, इधर 48 है, मतलब यही ज्यादा है, तो इधर साइड का टोटल ले लेते, 2,0,2,0,2,0,2,0 50, तो 50 हो जाएगा, फिर 6 और 4 10 एक ऊपर, 8 और 1 9 9 और 5 14 14 plus 5 14 plus 5 19 plus 4 19 plus 4 23 plus 1 24 2 carry and 6 बराबर है, इधर आएगा 64,050 बराबर है। अब इसका बैलेंस निकाल लेते, 0,0,0,0,0,0,0,0,0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आएगा बराबर, 5 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 0 एक ऊपर, 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4 2 कैरियर 2 + 3 5 5 में 1 आएगा, बात समझ में आएगा? हाँ। अब इधर डेबिट में आया इसका बैलेंस, तो ये किधर जाएगा? 2 कैश और बैंक अकाउंट, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय समीर कितना 19,450। अरे ये समझा? समझा?
मतलब इसने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लाया था, कैपिटल कम लाना चाहिए, 48,000 है, 30,000 मतलब ज्यादा ही कैपिटल लाया, तो एक्स्ट्रा पैसा अपने को रिफंड करना है, रिफंड मतलब पैसा जा रहा है, बात समझा। दूसरे का कैपिटल 90, 1 लाख, 1,10,000 और 1,20,000 900 है, और इधर 60, ये कम है, यही ज्यादा है, यही ज्यादा है ना, इधर का टोटल ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 30 मतलब 900 बराबर 00, 8 और 1,10,000 एक ऊपर, अरे बराबर 9 और 1,10,000 11, 12 120,900 समझा, सी 120,900 9 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 + 8 14 sorry 13 13 + 8 21 21 + 8 29 29 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 29 में 1 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 30 का 0 और 3 का 3 और 6 9 9 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 और 1 ऊपर 1 में 0 31,000 इधर भी डेबिट में आया, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, तो बाय आदिल कैपिटल अकाउंट कितना 31,900, बात समझ में आया, पक्का समझा। अब कैश अकाउंट क्लोज करो, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है देखो, 30 30 60 यही ज्यादा लग रहा है, और 15 ये ज्यादा है ना, इधर का टोटल करते 20 20 20 तो 20 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 3 6 और 1 7 आ जाएगा, तो ये आएगा 75,600 माइनस करते 0 0 0 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 0 और 1 ऊपर बराबर है 10 20 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 का 6 और 2 ऊपर अरे बराबर 7 और 2 9 9 और 9 18 और 1 19 19 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5 और 2 ऊपर 3 4 5 6 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आता है। अब ये जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट या तो कैश और बैंक कितना 16,650 अंडरस्टूड। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये अपना टैली हो जाएगा, देख लेते 3 0 0 0 5 2 2 6 6 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 1 और 2 2,42,250 ये साइड का टोटल, इधर माइनस करते भाई अप्रिशिएट करना है मतलब 1,05,000 इधर ऐड करना है ना, yes, और इधर माइनस करना है तो 1,08,000 माइनस 22,500 जीरो जीरो यहाँ पे 7 और ये 10 हो जाएगा तो 5 7 में 2 जाएगा 5 10 में 2 जाएगा 8 इधर आएगा 85,500 इसमें 3,900 माइनस करेंगे 39,000 माइनस 3,900 10 इधर 8 हो जाएगा 1 आ जाएगा 8 में 3 तो 5 और 3 35,100 बराबर है। चलो इधर का टोटल 0 0 0 0 0 0 0 5 और 5 और 1 6 6 और 6 12 12 और 1 ऊपर बराबर है 5 और 1 6 6 और 5 11 11 और 5 16 और 6 22 22 का 2 और 2 ऊपर 2 और 8 10 10 13 और 1 14 और 1 और 2,42,200 बात समझ में आया, फटाफट कंप्लीट करो।